स्मूच 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 अच्छा क्या अभी स्मूच स्मूच बात हुई कि नेक्स्ट इमरान हाशमी गुरमीत आपको मिल चुके हैं, तो काफ़ी खुश होंगे आप कि अब अगला इमरान हाशमी आपको मिला है और जो दिल में आया करा सकते हैं आप, राइट? सवाल जरा जोर से पूछिए, कुछ आवाज दब गई आपकी। ओके, नेक्स्ट इमरान हाशमी, जैसा कि अभी अभी बात हुई कि गुरमीत हैं, ऐसे माने जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट इमरान हाशमी की जरूरत नहीं है, एक इमरान हाशमी काफी है। अच्छा, मगर ये गुरमीत है, अपनी पहचान, अपने अपना एक वजूद लेके आया है, और इमरान हाशमी की का जो एक जो स्पेस क्रिएट की है वो बहुत ही एक बड़ी स्पेस है। इसमें एक शुरुआत की है, हाँ, टेलीविज़न के माध्यम में से इसने अपना एक दुनिया पे, विश्व पे एक अपना एक असर दिखाया है, मगर सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने भी प्रवेश किया है, और यकीनन जिस किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उससे हम बड़े बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि ये जो है आपके बीच में रहेंगे और आपका कैमरा इन्हें चेस करता रहेगा काफ़ी 10-20 सालों तक। बिल्कुल गुरमीत, हमने सुना है, देख भी रहे हैं कि काफ़ी फीमेल अट्रैक्शन आपकी तरफ, अपनी आपकी तरफ होते जा रहे हैं, तो आप हैप्पी हैं? यही तो चाहिए। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जब भी गाड़ी में भी बैठो तो बस ये देखता रहता हूँ कि लड़कियों ने पहचाना कि नहीं, और बस ये है कि बस दीबीना खुश होते रहे, यही मैं चाहता हूँ हमेशा। वो खुश है या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख रहे हैं मैं फंबल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। ओके, सपना, दो हीरो हैं, आप एक अकेली हीरोइन है इस फिल्म में, तो कंफर्टेबल हैं आप? क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल लग रही हूँ? ऑन द सेट एक्टिंग रोमांस की बात कर रहा हूँ मैं, सीन्स। Do I look uncomfortable to you? Yes. You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Acha, kya bhi? Smooch, smooch, smooch. Happy? Okay, Sapna, smooch. Happy? Aggressive kyun ho rahi hai? Hum to sirf acting ki bhi baat kar rahe hain, romance ki bhi baat kar rahe hain. Jo hame screen pe dikha uski baat kar rahe hain. Acting to bhi aapne bola nahi. You just said smooch. मैंने एक्टिंग भी बोला, मैंने नहीं रोमांस बोला, मैंने एक्टिंग बोला। यू सेड स्मूच, डोंट से स्मूच। ओके, नाउ दिस स्मूच थिंग इज बोरिंग। अच्छा, वी हैव किसी ने भी कहा था कि हमारे म्यूजिकल टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं श्रीधर के होते हुए, तो बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ अंकित यहाँ पर हमारे साथ है। अंकित आइए जरा। अब अंकित आके ये जो इनको कमी का एक एहसास हो रहा था वो पूरी कर दे, जरा ऊपर आइए और गाना गा के सदा इन्हें। बट सर, एक चीज अनहिडन हुई है कि राइटर की स्टोरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बोला जा रहा था कि हाइड नहीं हो रही चीजें, अभी अली ने बोला कि एक राइटर की स्टोरी है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर की स्टोरी है ये? और खामोशिया एक एरोटिक जी सुपरनैचुरल थ्रिलर है जी। हमने 21वीं सदी की सुबह ने राज एक फिल्म बनाई थी जी जी, जिसमें एक ट्रायंगुलर ड्रामा था। यस सर, इसमें भी ट्रायंगुलर ड्रामा है, मगर ये 21वीं सदी की का दूसरा डेकेड है। इसमें जो महिला जो हमारी फिल्म की जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी उसकी जो सोच, उसके अंदर का की जो मांग जो है बिल्कुल विपरीत है उस महिला से जिसने आपके जहन पर रास के वक्त असर किया था। ये महिला जो है 21वीं सदी के दूसरे डेकेड की महिला जो जेंडर इक्वालिटी की मांग कर रही है, वो भी कहती है कि जो सेक्सुअल लिबर्टी जो मुझे चाहिए जी, वो मैं अपने शर्तों पे हासिल करूंगी, आपके मर्दों के डेफिनेशन के दायरे में मैं नहीं रहूंगी जी, क्योंकि बहुत आप लोग ने हमें बांध के रखा है, अब हम अपने शर्तों पे अपनी सेक्सुअलिटी को रीइंटरप्रेट करेंगे। ये एक ऐसी महिला है जो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में निकलती है, और कैसे दो मर्द उसे टकराते हैं वो दास्तान है, मगर वो उसका जो एक इडियम है वो एक सुपरनेचुरल इडियम है और एक थ्रिलर का इडियम है।